पूजनीय संत समाज, देवियों और देवताओं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है इसको पहचानना चाहिए। जीवन का लक्ष्य बनाना नहीं है, पहचानना है। जीवन का लक्ष्य मनुष्य जीवन में प्राकृतिक ढंग से निर्धारित है, उसको पहचानना है और पहचान करके उसके अनुसार चलना है। सबकी अंतरात्मा क्या कहती है? दुख न हो, मुझे दुख न हो। दुख से सब जीव भागते हैं। अगर पत्नी से दुख मिले तो लोग पत्नी को छोड़ देना चाहते हैं। पति से दुख मिले तो पति को पत्नी छोड़ देना चाहेगी। माँ बाप से, बच्चे से, गुरु से दुख मिले तो लोग गुरु छोड़ देना चाहेंगे। शिष्य से दुख मिले तो शिष्य छोड़ देना चाहेंगे। जीव का संबंध जीव से, अपने से, इस पर बृहदारण्यक उपनिषद की जो कथा है आप लोगों ने सुना होगा कि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। याज्ञवल्क जीवन भर यज्ञ कराते रहे, यज्ञ के बहुत बड़े ज्ञाता थे। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है और उसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है, 100 अध्यायों का। उसी में अंत में बृहदारण्यक उपनिषद है। पूरा शतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्क से संबंधित है। उनकी रचना या उनके अनुगामियों द्वारा रचना। याज्ञवल्क बहुत बड़े कर्मकांडी थे और ज्ञानी भी थे। उनको अंदर में एक चोट हुआ कि जीवन बीता जा रहा है, कर्मकांड स्वाहा स्वाहा करते, अब विरक्त होना चाहिए। उनकी दो पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। मैत्री तो ज्ञान परक बुद्धि रखती थी और कात्यायनी साधारण बुद्धि की थी। याज्ञवल्क ने धन बांट दिया, लगता है कोई उनके बच्चा नहीं था। पुत्रेष्ट यज्ञ भी दूसरे करवाए होंगे लेकिन उनको तो पुत्र नहीं है था, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ। पुत्र की चर्चा नहीं है। दोनों पत्नियों को धन बांट दिया। कात्यायनी धन पाके खुश हो गई। मैत्री ने कहा, भगवान आप जिसके लिए जा रहे हैं वो क्या चीज है? क्या धन से मुझे अमरता मिलेगी? उन्होंने कहा, धन से तो किसी को अमरता नहीं मिलती है। तो मैत्री ने कहा, यस्याम नामृता श्याम किमहम तेन कुर्याम। जिससे मुझे अमरता न मिले वो लेकर के मैं क्या करूँगी? मुझे वो बात बताइए जिसके लिए आप ये धन दौलत सब छोड़ के जा रहे हैं। तब याज्ञवल्क ने कहा, मैत्री बैठ, मैं तेरे को बताऊंगा। अरे पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं, आत्मा के लिए पत्नी प्रिय है। पति के लिए पति प्रिय नहीं है, आत्मा के लिए प्रिय है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं है, आत्मा के लिए प्रिय है। देव के लिए देव प्रिय नहीं है, आत्मा के लिए प्रिय है। ब्रह्म के लिए ब्रह्म प्रिय नहीं है, आत्मा के लिए प्रिय है। इसलिए आत्मा वारी द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास्तव्य। आत्मा ही देख, आत्मा ही देखने सुनने और मनन करने के योग्य है। पत्नी से क्यों प्रेम? अपने आत्मा के लिए, अपने आत्मा के सुख के लिए। पति से क्यों प्रेम? उसी बात। सबसे प्रेम क्यों? अपने आत्मा के सुख के लिए।
ब्रह्म से क्यों प्रेम करते हैं, देवता से क्यों प्रेम करते हैं, अपने आत्मा के सुख के लिए। अगर पानी नहीं बरसता है तो लोग ईश्वर को गाली देने लगते हैं, और ज्यादा बरसने लगे तब भी गाली देते हैं। इसलिए अपना सुख सबको प्रिय है। जब आत्मा के सुख के लिए हम सब करते हैं तो आत्मा को पहचानना चाहिए। कोई किसी को नहीं चाहता है, सब अपने आत्मा के लिए चाहते हैं। वो मनोरंजक कहानी भी आप याद करें, कई बार मैं भी सुनाया हूँ आपको, कि एक युवक एक टीले पर चढ़ गया जो 100 फीट ऊंचा था, तो कुतूहल बस चढ़ गया, चढ़ने कोई जरूरत नहीं थी, चढ़ तो गया, जो उसमें उतरने में उसको कठिन लगा और लगा कि मैं भारा करके गिर पड़ूंगा। जब आदमी सकते में आता है, परेशान होता है, तब वो देवी देवता को मनाता है। तो उसने कहा, हे टीले का देवता, तो खुश हो जा और मैं उतर जाऊं तो 100 साधु ब्राह्मण खिलाऊंगा। तो प्रार्थना आदमी करता है तो कोई सुनता उनता नहीं, उसके मन में एक मनोवैज्ञानिक भाव उत्पन्न होता है, एक आशा की किरण आती, साहस आता है। उसको साहस आया, 50 फीट उतर आया, तब उसने कहा, हे देवता, 100 साधु ब्राह्मण खिलाना बड़ा महंगा होता है, 25 ब्राह्मण और 25 साधु को खिला दूंगा। तो और उतरा, कोई 20 फीट बचा, तो कहा, देव, ये 50 भी बहुत होता, 5 ब्राह्मण और 5 साधु खिला दूंगा। जब काफी नजदीक आ गया तो कहा, देवता, एक बार और क्षमा कर दो, 1 ब्राह्मण खिलाऊंगा और 1 साधु खिलाऊंगा। जब जमीन पर आ गया तो कहा, हे देवता, इतने ऊंचे न कभी चढ़ूंगा न किसी खिलाऊंगा। तो हम देवता को क्यों मानते हैं, अपने लिए मानते हैं। कोई किसी को नहीं चाहता है, अपने सुख के लिए सबको हम चाहते हैं। तो अपना सुख क्या है, क्या काम भोग अपना सुख है? दुनिया का जो सुख है सबसे बड़ा माना जाता है वो काम भोग मान मैथुन क्रिया, तो क्या वो बड़ा सुख है? अगर वो बड़ा सुख होता तो उसी सुख के पीछे पूरे जीवन की परतंत्रता हो जाती है, सुख ही सुख मिलता। एक वही आदमी नहीं संभाल पाता और परतंत्र हो जाता जीवन भर के लिए। ये वैरागी भाषा की बात है लेकिन तथ्य। एक उत्तेजना आती है, उत्तेजना को नहीं संभाल पाया, गिर गया, छीण हुआ, मलिन हुआ, पश्चाताप किया, क्या पाया? जिसमें वासना बन जाए और वासना फिर उद्वेगित करे, शांति से न रह पाए, उस सुख कहाँ है? गाजा भांग बीड़ी सिगरेट शराब कबाब में सुख है, तो निश्चिंतता का सुख मिलना चाहिए। उसमें तो चिंता बढ़ती है, आदत खराब होती है, रोग लगता है। इंद्रियों को उत्तेजित करना और मन को उत्तेजित करना जो सुख माना जाता है वो भ्रम है, सुख नहीं, उसमें दुख है। जिसमें इच्छा बने, वासना बने, तृष्णा बने, चैन से न रह पावे, विश्राम न पावे, उस सुख कहाँ? जिसमें दूसरे की उपस्थित की आवश्यकता हो, सुख कहाँ? एक स्त्री पुरुष के बिना रह नहीं पाती, एक पुरुष स्त्री के बिना रह नहीं पाता, तो सुखी कहाँ हुआ? अभी 1 वर्ष नहीं हुआ है, एक पत्र मेरे पास आया, वो किसी भक्त घर की होगी लेकिन नाम नहीं लिखा, बहुत समझदार, शादी हो गई थी, अपने पति के पास थी। उसने मुझे पत्र लिखा कि साहब, मैं पति को देखे बिना रह नहीं पाती हूँ, 1 दिन न देखूँ तो बहुत हैरान हो जाती हूँ, और मैं पहले ठीक थी, आपकी किताब पढ़ती थी,
और समझ अच्छी थी। अब ऐसा हो गया उसका मोह कि उसको देखे बिना रह नहीं पाती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए जिससे उसके बिना मैं सुखी रह सकूँ, अब मुझे पत्र न दीजिएगा, पारक प्रकाश में छाप दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगी। तो मैंने कहा देखो इसकी अंतरात्मा तड़पती है, अब वो पति के प्रति इतना मोह हो गया है कि जिससे चैन नहीं पाती और चाहती इससे छुट्टी मिले, लेकिन उतना विवेक नहीं जग पाता है। जहां परतंत्रता है वहां सुख कहाँ है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, परवस्था ही सब प्रकार दुख है, आत्म स्वस्था ही सब प्रकार सुख है। दूसरे की सेवा करो, लेकिन दूसरे से भोग पाने की इच्छा है तो ये बंधन है, सेवा करना ठीक है। सुख सबको प्रिय है, और सुख हम समझते हैं विषयों से आता है, पदार्थों से आता है, यही भ्रम है। हमारे जीवन का उद्देश्य है दुख रहित होना, इस जीवन में हम दुखी न हों, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये उद्देश्य ऑटोमेटिक है, क्योंकि कोई दुख नहीं चाहता है, केवल सुख चाहता है, और सुख होता है शांति में, चित्त में जब विश्राम है तो सुख है। बहुत ऐसा बहुत ऐश्वर्य मिला और चित्त व्याकुल है तो सुख कहाँ। कोई भी स्थित मिले और चित्त में विश्राम ना हो तो सुख कहाँ। चित्त का विश्राम सुख है, मन की शांति सुख है, हमारे जीवन का यही उद्देश्य है। जीवन शांति से बीते, सुख से बीते, नींद खुले तो किसी प्रकार उद्वेग ना हो, कोई पश्चाताप, कोई ग्लान, कोई पीड़ा, कोई संताप न, पूरा दिन सुख सुख से रहें, काम धाम करें, खाएं पिए, उठे बैठे, बोले चलें, विवेक विचार में रहें, सुख से रहें। जब नींद लेने चलें बिस्तर पर पड़े और नींद आ जाए, और नींद में गहरी नींद में सोएं, सुख से जागें, सुख से सोएं, सुख से जिए, सुख से मरें, ये जीवन का उद्देश्य है। इसको कौन सोचता है? बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई जाते हैं, उनके देह में राग रंग के संस्कार उदय होते हैं जो अज्ञान जनित और देह जनित है, उस पर कोई सीख नहीं है कि जो तुम्हारे अंदर में अंग मिलन की चेष्टा होती है उस पर संयम होना चाहिए। हर नवयुवक और युवती के मन में अंग मिलन की चेष्टा होती है, युवती युवक और युवक युवती के अंगों से मिलना चाहता है। इसकी कोई सीख नहीं है कि ये चेष्टा संयत होनी चाहिए, जिसे बन सके समझ जाए वो इस चेष्टा को बिल्कुल छोड़ दे, आत्मविजयी हो जाए, वो कोई बिरला होगा, ऐसा कोई हो जाए अच्छा, चाहे लड़की हो या लड़का। बाकी लोग जो ऐसा नहीं कर सकते हैं वे उस पर संयम रखें, शिक्षा काल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इसीलिए भारतवर्ष में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी चार आश्रमों का विधान था, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करते हुए बच्चे पढ़ें। आज तो ब्रह्मचर्य की बातें नहीं, कॉलेज और विश्वविद्यालय में जब नए बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पर जो पहले वाले होते हैं वे उनको परेशान करते हैं, इतना अश्लील अश्लील प्रश्न करते हैं कि शर्म की बात है। जहाँ ब्रह्मचर्य की सीख है वहाँ वो पूछते हैं लड़कों से कि तुम्हारी मित्रता कितनी लड़कियों से है,
और इतने नहीं पूछते, फिर और पूछते जो कहा नहीं जा सकता है। कितना भ्रष्ट हो गया है समाज। माता पिता लड़की और लड़के की शादी निर्धारित करें, ये पहले था, बाल विवाह होता था तो वही करते ही थे, उसमें भी अपना दोष था। बाल विवाह नहीं होना चाहिए। आज बाल विवाह काफी घट गया है, देहात में अभी भी बहुत जगह दयनीय दशा है, फिर भी काफी सुधरा है पहले से। शहरों में तो काफी इसके लिए सुधार है और दूसरे तरफ कुधार है। लड़के लड़की पढ़ते हैं, बस देख लिए एक दूसरे को मोहा गए तो प्रेम विवाह करेंगे। माता पिता से मतलब नहीं, पूछना नहीं, माता पिता समझावें तो समझना नहीं। एक भावुकता इस उम्र में, एक भावुकता होती है, वो भावुकता क्षणिक होती है। पीछे जब क्लेश उत्पन्न होता है तो कहीं के नहीं रहते हैं। और ये नौजवानी की जो शुरुआत है, शैतानियत की घर है, ये शैतानियत का घर है, और इसी में संयम कर ले तो महाकल्याण है। ये तो मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ। मेरे पास जितने साधक आते हैं वे बच्चे आते हैं, प्रायः 18, 19, 20 से लेकर के 25 के अंदर ज़्यादा आते हैं। इस समय हमारे दो बच्चे 13-13 बरस के हैं, उनको मैं समझाया लेकिन वो मुझे ही समझा दिए तो रखना पड़ा। एक बच्चे से मैंने कहा तुम पढ़ो और छुट्टी में यहाँ आया करो, रहा करो, तो नहीं बोले नहीं बोले। जब बोला तब कहा अगर कुसंग पड़ जाए, बुद्धि खराब हो जाए तब क्या होगा। हम कहते थे इसकी दवाई मेरे पास तो नहीं है, अब तुम कहाँ पढ़ोगे, कहाँ कुसंग पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा। तो दो बच्चे 13 बरस के हैं, बाकी तो सब 18 से ऊपर हैं। तो ये देखता हूँ कि इस उम्र में आते हैं। मैं स्वयं 20 वर्ष की उम्र में आया, 20 वर्ष पूरा हुआ था और करीब 1.5-2 महीना और हुआ था तब निकला। तो ये उम्र तो बहुत बढ़िया है साधना करने के लिए, तो सभी के लिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन साधारण बात है कि नौजवानी में युवक युवती के मन में अंग मिलन की चेष्टा होती है, उस पर संयम की जरूरत है। संयम न करेंगे बह जाएंगे और जीवन भर रोएंगे। अनमिल विवाह, आजकल अनमिल विवाह चल रहा है, अंतर जाति शादी चल रही है। अंतर जाति शादी गलत नहीं, जात पात टूटे खत्म हो अच्छा है। अहंकारी बने बैठे हैं सब, हम बड़ी जात के हैं तुम छोटी जात के हो, मनुष्य मनुष्य बने। लेकिन जब लड़की लड़के का विवाह हो तो दोनों वर्ग घुल मिल जाए और दोनों अपने को बचाते हैं तो अंतर जाति शादी सुखद तो नहीं हुई। इसी प्रकार और अनमेल विवाह हो जाता है और अंत में लड़के या लड़की दोनों रोते हैं। इसलिए लड़के लड़की विवाह देखें किंतु माता पिता भी देखें, वे भी वरवधु को देखें, माता पिता की भी आज्ञा मानी जाए, उनकी राय मानी जाए, गुरुजनों की राय मानी जाए, इसकी जरूरत है। दुख जितना कम हो उतना अच्छा है। विषय वासना में जुड़ेंगे दुख होगा, लेकिन सब तो एकदम त्यागी नहीं हो सकते, त्यागी बिरले हो, और सच्चे त्यागी तो और बिरला। सच्चा त्यागी हो तो ठीक है। कबीर साहब ने कहा साधु होना चाहिए पक्का होई के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भयाना तेल। वे तो सब बात में अपना उदाहरण देते हैं, कोई न कोई उदाहरण। साहब कहते साधु होना चाहिए लेकिन कैसे, पक्का होई के खेल, पक्का खेल करके, पक्की साधना में दृढ़ होकर। कच्चा सरसों पेर के खरी भया न तेल, कच्चा सरसों पेरा न खली न तेल, न इधर के हुए न उधर के हुए, न खुदाई मिले न विशाले सनम। इसलिए पक्का वैराग्य होना चाहिए ऐसा जिसका हो। लड़की का लड़का का धन्य है,
बाकी लोग गृहस्थी में रहते हैं, तो गृहस्थी पतन का रास्ता नहीं है, गृहस्थी उत्थान का रास्ता है। क्यों गृहस्थ आदमी क्यों बनता है? क्योंकि वो असंग नहीं रह पाता है, ब्रह्मचारी होकर के जीवन भर नहीं रह सकता है, इसलिए गृहस्थ बनना जरूरी है। क्यों गृहस्थ बनता है? जिससे वो मर्यादित रहे, विवाह न करेगा और मन संभाल नहीं पाएगा तो अमर्यादित होगा, उसका जीवन भ्रष्ट होगा और समाज प्रदूषित होगा, एक से जुड़ा नहीं रहेगा तो समाज में प्रदूषण फैलेगा। कभी जमाना था मात्र सत्ताक वंश, उसको मात्र सत्ताक वंश कहा जाता है, माता ही सब कुछ होती थी, कोई भी युवती को गर्भ रहा, किससे रहा कुछ पता नहीं, बहुतों से उसका संपर्क है। अब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा किसका माना जाएगा? माता का, माता से तो जुड़ा है, पिता कुछ पता नहीं है। पहले जमाने में माता या पिता के नाम से पुत्र का, संतान का नाम होता था, आज भी ये अरब इत्यादि देशों में आज भी है, गुजरात में खूब है। तो पिता का पता नहीं होता था, माता के नाम से पुत्र का नाम जुड़ता था। जब विवाह प्रथा दृढ़ हुई तब पिता के नाम से पुत्र का नाम जुड़ने लगा। बृहदारण्यक उपनिषद के आखिर में 50 से अधिक ऋषि हैं जिनकी माताओं के नाम का पता है, पिताओं के नाम का पता नहीं, 50 से अधिक ऋषि, और उनकी माताओं का नाम उसमें लिखा है, पिताओं का नहीं, मात्र सत्ताक वंश का अवशेष है। आदि शंकराचार्य बड़े ब्राह्मणवादी थे, बड़े वर्णवादी थे, लेकिन उन्होंने भी वहाँ लिखा स्त्री स्वतंत्रात गुणवान पुत्रो भवतीत, स्त्री स्वतंत्र होती है तो गुणवान पुत्र पैदा होता है, स्वतंत्रता का वहाँ लक्षण है। सब लिस्ट 50 ऋषियों के नाम में माताओं का नाम जुड़ा है, पिताओं का नहीं, लेकिन उसमें अपना दोष था, इसलिए विवाह प्रथा दृढ़ हुई। आज भी दुनिया में कुछ विचारक हैं जो विवाह प्रथा को तोड़ने के लिए काफ़ी अपनी अपील देते हैं। अमेरिका में तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन लोग चलाए कि विवाह प्रथा बंद हो, ये पागलपन है, विवाह प्रथा ठीक है, लड़के और लड़की मर्यादित रहें, दुख घटे, योग्यता पूर्वक समझ बूझ करके विवाह करें, हड़बड़ी में न करें। जीवन भर निभाना है लड़की से लड़के को और लड़का से लड़के को, जीवन भर निभाना है, समझ बूझ करके कदम उठाएं और जब संबंध हो तो एक दूसरे को निभाएं। पुराने लोग निभाते थे, आजकल तो थोड़ा भी निभाना नहीं चाहते, आजकल तो थोड़े थोड़े में तोड़ फाड़, पुराने लोग बहुत निभाते थे, अब आज भी ऐसे पुराने संस्कार के हैं, निभाते हैं। इब्राहिम लिंकन का तो आप लोग नाम बहुत लोग हैं इसमें जानते होंगे, इब्राहिम लिंकन बहुत साधारण घर के गरीब बच्चे थे अमेरिका में, और जिन्होंने रात में आग के पास अपनी पढ़ाई की थी, उनको तेल इतना मिट्टी नहीं मिलता था कि दीपक जला करके पढ़ ले, इतने गरीब, अब वो इतना विद्वान हुआ, इतना योग्य हुआ, महापुरुष हुआ, केवल नेता नहीं महापुरुष, वो अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ, अब उनकी पत्नी इतनी लड़ाकू थी, इतनी लड़ाकू थी कि हद ना को दम कर देती थी। इब्राहिम लिंकन दानी स्वभाव के थे, दयालु थे। एक छात्र ने आकर के कहा, हुजूर मुझे $40 आप दान कर दें तो मेरी पढ़ाई व्यवस्थित हो जाए, तो वह अपनी पत्नी की आज्ञा बिना काम नहीं करते तो और गड़बड़ होता, और चाहिए भी पत्नी विचार करके काम करें। तो उन्होंने कहा, देखो जब हम दोनों प्राणी बैठे रहेंगे तब तुम आना, और तब तुम 40 नहीं 80 मांगना। के ठीक।
तो जब दोनों बैठे थे तो हो गया, तो कहा हुजूर हमें 80 डॉलर मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो इब्राहिम लिंकन ने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो, ये लड़का 80 डॉलर मांग रहा है। उनकी पत्नी ने कहा, लिंकन तुम घर बेच डालोगे, कहाँ 80 डॉलर देते रहोगे, 40 डॉलर दे दो। तो 40 डॉलर दे दिया, काम बन गया। ऐसा महापुरुष इस ढंग से निभाता था। टॉलस्टॉय महान लेखक रूस का, उसकी पत्नी इतनी लड़ाके की हद। तो पहले के लोग निभाते थे इस बात को, आज लोग नहीं निभा रहे हैं, जल्दी जल्दी सब टूटन हो रहे हैं। टीबी ने भयंकर विनाश किया है, भयंकर प्रदूषण टीबी ने फैलाया है। टीबी का दोष नहीं है, टीबी तो एक यंत्र है, और वो जो शक्ति वैज्ञानिकों ने हमें दी है उससे मांगलिक दृश्य दिखाया जा सकता है, व्यवहारिक। लेकिन भ्रष्ट संस्कार की बातें इतनी फैलाई जा रही हैं, विषय वासना वर्धक बातें और अंधविश्वास वर्धक बातें। इतना अंध लोग देख, मैं तो टीवी देखता नहीं हूँ, लोग बताते हैं, अंधविश्वास का इतना चल पड़ा है हद। और उधर विषय वासना वर्धक केबल टीवी में, तो इसलिए इतना प्रदूषण फैलता चला जा रहा है कि गृहस्थी बहुत दुखमय होती चली जा रही है। पहले की अपेक्षा धन बढ़ा है और पहले की अपेक्षा अशांति बढ़ी है। अंग्रेज गवर्नमेंट जमाने की मुझे याद है, सावन भादों के बीच में गाँव में एक तबके में भूखमरी पड़ती थी। भूख से कोई मरने नहीं पाता था, लेकिन पता लगता था कि कुछ घरों में 2 दिन हुआ चूल्हा नहीं जला, तो उनको कुछ दिया जाता था। लेकिन उस पीरियड में मैंने किसी को कहीं नहीं सुना कि कोई भूख से पीड़ित होकर के किसी ने आत्महत्या की है। अब आज आत्महत्या के विषय में इतनी शूरवीरता है, क्या पूछना। और कहाँ है जिनका पक्का घर है, नहीं कार है तो स्कूटर जरूर है, नहीं दूध बहुत पीते हैं तो चाय में तो दूध पी लेते हैं, दोनों टाइम गर्म भोजन है, आमदनी है अच्छी, बैंक में खाता है। ऐसे घर वालों में हत्या खूब, आत्महत्या खूब हो रही है। मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय कहलाने वाले मजदूरों में आज भी उसकी बड़ी न्यूनता है। हम लोगों का जीवन ऐसा है कि मजदूरों की झोपड़ियों में भी जाना होता है और महल वालों में, महल में भी जाना होता है। तो गरीबों में, मजदूरों में आत्महत्या की बात नाम मात्र कहीं हो सकती है, ये संपन्न लोगों में आत्महत्या बहुत बढ़ रही है। चीज़ें बढ़ रही हैं और चित्त अशांत हो रहा है, धन बढ़ रहा है, धर्म नहीं बढ़ रहा है। वैसे तो दैवी जागरण अखंड पाठ इतना हो रहा है कि आपका दिमाग खराब हो जाए। 24 घंटा धाएं धाएं धाएं, 10 बजे के बाद भी लाउड स्पीकर बचाना धर्म नहीं है, महापाप है। जब सोने का समय है तो लाउड स्पीकर बजाना चाहिए। मैं तो जहाँ रहता हूँ 10 बजे के पहले कार्यक्रम समाप्त करना चाहता हूँ, यहाँ तो 8 ही बजे समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन ये धर्म वालों को कौन कहे, वो अखंड पाठ कर रहे हैं, आप अगर उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो फिर धर्म में खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, आप नास्तिक हैं। जो धर्म के नाम पर उत्पाद आजकल चल रहा है हद है, ये धर्म वर्म नहीं है, ये धर्म का बाहरी जंजाल है। पाठ कोई करे, अखंड पाठ करे, अपने घर में पाठ करे, लाउड स्पीकर हटा दे, कुछ समय लाउड स्पीकर दिन में लगा ले बस, बाकी लाउड स्पीकर हटा दे, ऐसे पाठ करे, प्रवचन हो, पाठ हो, थोड़ा हो, लाउड स्पीकर का उपयोग ठीक है। 24 घंटे लाउड स्पीकर पर चिल्लाना, सबका दिमाग खराब करना, तो ऐसा धर्म तो खूब बढ़ा है। और चंदा जबरदस्ती आपके घर में जाके करते हैं धर्म वाले। जब हम लोग बैठे प्रीतम नगर में तो लोग सोचते थे कि महाराज लोग चंदा करेंगे, 2 बरस 4 बरस 6 बरस देखे कोई चंदा नहीं,
तब कभी कभी कहने लगे, तब मुझे पता लगा। कहा महाराज, यहाँ वाले सोचते थे कि महाराज लोग बैठ रहे हैं तो चंदा करेंगे, अब आप चंदा ही नहीं करते हैं। हम कहे, हमें चंदा करने की ज़रूरत नहीं है, जो सहज हो बस वही ठीक है। यहाँ सुलेमसराय से कुछ दुकानदार भक्त लोग आए, मिले हमारे साधुओं से कई वर्ष पूर्व कि आप रसीद बुक छपा दें, हमें दे दें और हम दुकानों से करके और स्वयं भी देंगे, आपका इतना बड़ा खर्चा होता है तो सहयोग करेंगे। तो हमारे साधुओं ने कहा, जिनको सहयोग करना हो करें, आखिर सहयोग से ही तो सब चलता है, लेकिन हम रसीद बुक नहीं छपाएंगे और चंदा करने का आर्डर नहीं देंगे, जो स्वयं ला के दे देता है स्वीकार है। तो चंदा तो आजकल धर्म वाले ऐसा करते हैं, जबरदस्ती आपसे लेना चाहते हैं। धर्म है इंद्रिय और मन पर संयम, धर्म है दूसरे को पीड़ा न देना और बन सके तो सुविधा देना। पहली बात है मन और इंद्रियों पर संयम, ये धर्म है। राम कहो कि रहीम कहो, आपका विचार है। कैसा चंदन लगाओ, कैसी माला पहनो, कैसा वेश बनाओ, आपका विचार है। असली धर्म है अपने मन इंद्रियों पर संयम। दूसरे से मिले तो ये ध्यान रखें, मेरे द्वारा दूसरे को असुविधा ना हो। सुविधा तो हम बहुत सबको नहीं दे सकते, हमारी शक्ति सीमित है और समय सीमित है, इसलिए सबकी सेवा कोई नहीं कर सकता है। किन सेवा की भावना है तो जो बन सके सेवा करें, कुछ सेवा न करें, किसी छीने न, किसी को तकलीफ न दे। आत्म संयम जो जितना करेगा वो दूसरे को उतना दुख नहीं देगा, और जो आत्म संयम जितना घटाएगा उतना दूसरे को दुख देगा। आत्म विजयी ही अहिंसा व्रत का पालन कर सकता है। जो लोलुप है वो अनधिकृत धन चाहेगा, अनधिकृत कब्जा करना चाहेगा, जो लोलुप है वो दूसरे को तकलीफ देता है। जितनी लोलुपता की मात्रा अधिक है उतना हम हिंसक होते हैं। लोलुपता हमारी जितनी घटती जाएगी हिंसावृत्ति घटती जाएगी। लोलुपता शून्य की, शून्यता की डिग्री पहुंच जाएगी, पूरी अहिंसा जीवन में हो जाएगी। केवल किसी का गला रेतना हिंसा नहीं, वो तो हिंसा है ही। किसी प्रकार तकलीफ देने की भावना मन में आना हिंसा है। तो आत्म संयम धर्म है, आत्म संयम घट रहा है, धन बढ़ रहा है, साधन बढ़ रहे हैं, यातायात साधन बढ़ा, संचार साधन बढ़ा, यहीं से बैठ करके पूरी दुनिया को देख रहे हैं। विज्ञान ने भोगों की लंबी राश खड़ी कर दी है, उसको देख देख करके मन ललचाता है। झुग्गी झोपड़ियों में भी टीवी आ गया है, टीवी में देख करके दिमाग और ख़राब हो रहा है, टीवी में देखे ड्राइंग रूम आ गया, सूट में बैठा युवक और बैठी युवती दिखाई दी, सामान दिखाई दिए, मन होता है ऐसे हो, ऐसे मैं सजूं, ऐसी चीज हो। तो विकार बढ़ने के साधन सर्वत्र खूब फैल रहे हैं। संयम की न सीख है न समझ है, घोड़ा बड़ा तेज है लेकिन वो प्रशिक्षित नहीं है, उस पर चढ़ने का मतलब है कि वो पटकेगा, हाथ पैर टूटेगा, और यही हो रहा है। हमारे जीवन का लक्ष्य है सुख की प्राप्ति, शांत की प्राप्ति। मनुष्य जीवन उद्देश्य निर्धारित नहीं करना, इन्हें मैं पहले कहा, मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं करना है, वो तो ऑटोमेटिक निर्धारित, स्वाभाविक निर्धारित है। पहचानना है, चाहते आप क्या, दुख नहीं चाहते, दुख नहीं चाहते, इसी में सुख की बात हो गई। सुख कोई अलग चीज नहीं है, सुख नाम की वस्तु दुनिया में कहीं है ही नहीं। इस पर मुझे याद आ जाती
मैं बल्लभगढ़ में था, मेरा कार्यक्रम था। एक सेठ सेठानी मिलने आए जो 65-67 वर्ष की उम्र के दोनों होंगे, करोड़पति आदमी थे। दोनों बैठने लगे, घुटने टेक नहीं सके थे, पूरा बैठ नहीं सके थे। वो दोनों के मुख से संयोग से एक ही बात निकली, महाराज जीवन में सुख नहीं मिला। और करोड़पति थे, दो लड़के थे, दोनों की अलग अलग बिल्डिंगें हैं। कहे महाराज दोनों की अलग बिल्डिंगें हैं, व्यापार है, हम दोनों प्राणी अलग रहते। लड़के तो ठीक है लेकिन बहू ये पसंद नहीं करती, इसलिए हम अलग रह रहे हैं, पक्का खा रहे हैं। महाराज जीवन में सुख नहीं मिला। तो मैंने कहा आपके पास तो रुपये 10-20 लाख रुपये लेकर के दिल्ली में दुकानों पर खोज लीजिए, एक तोला सुख ले आइए, 10 लाख दे करके एक तोला सुख ले आइए। सुख लाल है कि पीला है, काला है कि उजला है, मोटा है कि पतला है, कैसे है, कितने वजन का है, आपने कभी पता पाया है? आप शक्कर ला सकते हैं, अनाज ला सकते हैं, लोहा ला सकते हैं, मिट्टी ला सकते हैं, पानी ला सकते हैं, आग ला सकते हैं, सुख ला सकते हैं। सुख नाम की वस्तु दुनिया में कहीं है ही नहीं, तो आपको मिले कैसे? कहे महाराज इस पर कभी सोचा ही नहीं। कहे जिंदगी बीत गई सुख के लिए, सोचे नहीं सुख क्या है, कितना भ्रम है। कहते हैं कि दो प्राणी आपस में लड़ रहे थे, थोड़ा रात बीत गई थी, सोने का टाइम हो गया था, और लड़ रहे थे और गर्मा गए। कमरा उनका था सड़क के किनारे, तो सड़क में जाने वाले लोग थे, वे रुक गए। और तो थोड़ा ऐसे कुछ सज्जन थे समझदार कि वो टोकना चाहे, आंगन में आ गए, कि आप लोग इस रात में क्यों लड़ रहे हैं? तो दोनों चुप हो गए, आंगन में आ गए। कहे कोई बात नहीं है, ये पत्नी कहती है कि लड़के को डॉक्टर बनाना है, मैं कहता हूँ नहीं वकील बनाना है, क्योंकि कहाँ जगह जायदाद ज़्यादा है और मुकदमे भी चक्कर पड़ता है, तो लड़का वकील हो जाएगा तो ज़रा एक काम देखेगा। पत्नी ने कहा मुझे रोग लगा रहता है, तो डॉक्टर बन जाएगा तो चिकित्सा करेगा, तो इसलिए मैं डॉक्टर चाहती हूँ कि लड़का डॉक्टर बन जाए। और पति कहे कि नहीं वकील बन जाए। तो लोग जो जा रहे थे कहे पूछे कि अच्छा बताओ लड़के से पूछो बनना क्या चाहता है, तो कहे खैर लड़का तो अभी पैदा नहीं हुआ है। तो लड़का पैदा ही नहीं हुआ है और लड़ाई हो रही है कि डॉक्टर बनाएंगे वकील बनाएंगे। सुख का पता ही नहीं है और सुख के लिए सब पागल है। सुख के लिए चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, अनधिकृत द्रव्य संग्रह करते हैं, सुख के लिए पराई स्त्री अपहरण करते हैं, पराई जमीन को दबाते हैं, मकान को दबाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। सुख के लिए महंती चाहते हैं, महंत बन तो सुख मिलेगा, गुरु बन जाए तो सुख मिलेगा। अरे गुरु बनोगे तो नरक होगा, सुख तो नहीं मिलेगा। अगर गुरु बनना चाहते हो तो नरक होना पक्का है। सेवा करो, कोई दुखी जीव है रास्ता दिखाओ, गुरु बनो ना। गुरु बनने की लालसा है तो नरक में कदम डालना है, महंत बनने की लालसा है नरक में कदम डालना है। सुख पाने के लिए सब आतुर हैं और सुख का पता ही नहीं कि कहाँ है। दुनिया में सुख नाम की कोई चीज नहीं, चित्त की निर्मलता में शांति है और वही सुख है। धनपति इसीलिए सुखी नहीं है, अगर कोई धनपति है तो सुखी होगा तो धन से नहीं होगा, सद्गुणों से होगा, धन से नहीं होगा। विद्या से कोई विद्वान सुखी नहीं होता है, तो विद्या क्या है? भाषा है। एक विद्या जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं वो अलग विषय है, लेकिन जिस विद्या को आप स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों विश्वविद्यालयों में, वो सारी विद्याएं भाषा और लिपियों का परिचय। सारी भाषाएं काल्पनिक रूढ़ियां हैं, सारी लिपियां सांकेतिक चिन्ह हैं, और उनमें दुनिया के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के नाम हैं। वही सब रटना होता, वही उसी को पढ़ना होता, उसी को हम विद्या मानते हैं।
कोई विद्वान विद्या से सुखी नहीं होता, पद से कोई सुखी होता है बिल्कुल भ्रम है। अगर कोई बड़े पद में सुखी है तो सद्गुणों से सुखी होगा, पद से सुखी नहीं होगा। कोई गुरु है तो गुरु चेला बनाने से सुखी नहीं होगा, वो आत्मज्ञान और संयम से सुखी होगा। गुरु बनने से कोई सुखी नहीं होता है। एक गुरु बना जाता है और एक गुरुत्व पद होता है। मैंने कल कहा था, परसों भी इसको कहा था, गुरुपद के तीन अर्थ हैं। गुरुपद का पहला अर्थ है गुरु के चरण, जो हाड़ मांस का चरण है वही चरण, गुरु के चरण। गुरुपद का दूसरा अर्थ है गुरु मर्यादा। गुरु मर्यादा है शील, क्षमा, दया, करुणा, संतोष, धीरज, ज्ञान, भक्ति, वैराग, ये सब सद्गुणों का समुच्चय गुरु मर्यादा है, ये गुरुपद है। और गुरुपद है आत्मा, आत्मा गुरु है, श्रेष्ठ है, आत्मा ही गुरुपद है। तो जो अपने गुरुपद में स्थित है, आत्मपद में स्थित है, वो सुखी है। दूसरे को दीक्षा दी जाती है, उपदेश किया जाता है, तो दूसरे को दीक्षा देने से हम सुखी नहीं होंगे, हम अपनी रहनी से सुखी होंगे। दूसरे को दीक्षा दें अगर सावधान नहीं रहे तो डूबेंगे। स्वयं अपने को सुबस किए बिना गुरु बनना अपने को नरक में ढकेलना है। साधना का क्रम है जिज्ञासा, मुमुक्षा, साधुत्व, संतत्व और गुरुत्व। इसको मैंने लिखा है, जगह जगह लिखा है, कल्याण पथ में और जगह भी है। जिज्ञासा, ज्ञान की इच्छा होना। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको ज्ञान की इच्छा होती, नहीं तो सब कमाते खाते हैं, धाए धाए में पड़े हैं, धनी निर्धन, उच्च पदस्थ चपरासी, भिकमंगा, सब केवल मन और इंद्रियों के व्यापार में जीवन बिता देते हैं। कोई बिरला होता है जो ये सोचता है कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, इसका संबंध कितने दिन का है, जीवन का फल क्या है, ये बिरला सोचता है। को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्तनवंतम यदनस्ताविवर्त भूम्यम असुर सृगात्मा को विद्वांस मुपगात पृष्ठमेतत्। ये ऋग्वेद का मंत्र है। को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्तनवंता यद अनस्था विभर्ति, अस्तनवंता यद अनस्था विभर्ति, जो अनस्था हड्डी रहित है, वो हड्डी वाले को धारण करके निरंतर गतिशील है, उसको उत्पन्न होते किसने देखा है? हड्डी रहित प्रकृति है, अपार्थिव है, सूक्ष्म है, ये पिंड ब्रह्मांड सब पार्थिव है, हड्डी युक्त है, स्थूल है, ये सूक्ष्म प्रकृति ही अनंत विश्व ब्रह्मांड को लेकर के चल रही है। उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है? इसका मतलब है वो नित्य है। को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्तनवंता यद अनस्था विवर्त भूम्य असुर सृगात्मा क्वासित, को विद्वांस मुपगात पृष्ठमेतत्। भूम्य से, प्रकृति से अस और असृग बन गया, प्राण और रक्त बन गए, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर प्रकृति से बन गए तो ठीक है, लेकिन आत्मा को असित, आत्मा क्या है, ये तो जड़ से नहीं बनेगा। को विद्वान उपगात पृष्ठमेतत्, को विद्वानम उपगात पृष्ठमेतत्, पृष्ठम एतत्, इस बात को पूछने के लिए कौन विद्वान के पास जाता है? हमारा सूक्ष्म शरीर मनोमय और स्थूल शरीर ये जड़ प्रकृति का व्यापार है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन आत्मा जड़ प्रकृति से नहीं बन सकता है, वो तो चेतन है। आत्मा क्या है, इसको पूछने के लिए संत के पास, विद्वान के पास कौन जाता है? तो पहले जिज्ञासा होती है कुछ लोगों में, सत्य क्या है, संसार छूट जाना है, कोई रहने वाला नहीं है, मेरा सत्य क्या है, मुझे शांति कहाँ मिलेगी, ये प्रश्न जिसके मन में आए वो जिज्ञास है। जिज्ञासा का मतलब है ज्ञान की इच्छा। जब वो संत के पास जाता और समझता है, यथार्थ गुरु मिले और समझता है, समझ लिया, तब उसके मन में मुमुक्षा उत्पन्न होती, मोक्ष की इच्छा।
जब मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है तो गलत चीज को छोड़ता है, इसी को साधना कहते हैं, और यही साधुत्व की दशा है। कभी मन से हार जाता है, कभी जीत जाता है, चलता है युद्ध। जब वो बिल्कुल आत्मविजयी हो जाता है तब उसको संत कहते हैं, पूर्ण आत्मविजयी। उसके पश्चात गुरु का नंबर आता है, फिर वो दूसरे को दीक्षा शिक्षा दे करके सन्मार्ग बताए। अपना ही मन इंद्री बस में नहीं है, अपना ही धाय धाय झाँ झाँ कर रहे हैं, और गुरु बनने की बड़ी लालसा है। और प्रायः गुरुओं को मैं देखता हूँ, जैसे गृहस्थ लोग अपने लड़कों से लड़ते हैं, तैसे गुरु लोग अपने चेलों से लड़ते हैं। गृहस्थ लोग कहते क्या करें साहब, लड़के कहे में नहीं, और गुरु लोग कहते क्या करें चेले कहे में नहीं, ये दोनों डूबे। अरे लड़कों को कोचो मत, अपना आचरण सुधारो। जो लड़कों को देना चाहते हो स्वयं अपने में लाओ, तब लड़कों पर प्रभाव पड़ेगा। लड़के जवान हो गए, माँ बाप अभी भी राग रंग वाले हैं, इसका प्रभाव लड़कों पर पड़ेगा कि नहीं? बच्चे माँ बाप की ऐसी बातों को किसी से कह नहीं सकते, अब अंदर में उनके फोड़ा हो जाता है और वो विरोधी हो जाते, विद्रोही हो जाते हैं, चाहे वो भी आगे चल करके ऐसे रहें। जब लड़के जवान हो गए, जवान होने के पहले आपको संयमशील हो जाना चाहिए, इसीलिए तो ऋषियों ने बताया था कि वानप्रस्थी अवस्था अपनाओ। तो संयम की जरूरत है, माँ बाप संयमहीन है और बच्चों को चाहते हैं वो संयमशील रहें, ऐसे गुरु स्वयं संयमहीन है, स्वयं शांत आत्मा नहीं है, शिष्य को चाहते हैं कि अनुगामी रहें, कैसे रहेंगे? तो गुरुत्व पद बहुत ऊंचा है, वो गंभीर पद है। मैं कह रहा था कि हमारे जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं करना है, प्रकृति द्वारा निर्धारित है। हमारे जीवन का उद्देश्य है गहरी शांति, सुख से जीना, सुख से सोना, सुख से जागना, सुख से जीना, सुख से मरना, मरते समय पीड़ा न हो, ये न लगे मेरा कुछ छूट रहा है। जब पहले ये समझ लेंगे कि मेरा इस संसार में एक तृण नहीं है, एक कण नहीं है, क्या गुड़ विषय है? बहुत सरल विषय है, लेकिन इसको समझने की चेष्टा कितने लोगों को है? एक दिन शरीर छूट जाएगा, सब जानते हैं, लेकिन 24 घंटे में कितने समय याद रहती है बात? 24 घंटा छोड़ दीजिए, साल भर में एक डायरी बना लें, कब कब याद किए इस बात को, तो पता लग जाएगा। जब सत्संग करेंगे, सत्शास्त्र पढ़ेंगे, चिंतन मनन साधना करेंगे, तब ये बात विचारों में आएगी। और बराबर जब चित्त में बना रहेगा, एक कुछ रहने वाला नहीं, सब छूटने वाला है, तब पाप से मन हटेगा, तब संयम में लगेगा। लोग कहते ऐसा मान ले तो हम कुछ कमें नहीं कर पाएंगे। आप मानो जानो तो, शंकराचार्य ने कहा जगत है ही नहीं, और जीवन भर वे जगत के कल्याण के लिए दौड़ते रहे। कबीर साहब ने वैराग कितनी बात कही है, झूठ झूठा के डारो मिथ्या या संसार, और जगत के कल्याण के लिए वे 119 वर्ष कुछ महीने तक जीवित रहे और श्रम करते रहे। अब अंतिम अंधविश्वास तोड़ने के लिए कि काशी में मरने से आदमी गधा होता है, और मगहर में मरने से काशी मरने से मुक्ति होती है, मगर में मरने से गधा होता है, इस भ्रम को तोड़ने के लिए 119 वर्ष के बाद की उम्र में काशी से साहेब मगहर गए और कहे देखो मुझे कौन गधा बना सकता है, मैं चलता हूँ काशी में मरूँगा। मगहर मरे सो गधा हो, भर प्रतीत राम सुख हो, जो मगहर में मरेगा गधा हो जाएगा। राम का राम भजन का विश्वास नहीं है क्या? राम बड़ा है कि मगहर बड़ा है? तो मैं स्वयं मण भावना करता हूँ। जब मुझे साधना में रुचि हुई 18 वर्ष की उम्र में, त
तभी से मरण भावना करने लगा, लेटूं और सोचूं शरीर मर गया है, बड़ी शांति मिले। वो साधना आज भी करता हूं, लेकिन शरीर मर तो नहीं गया, रोज मर रहा है लेकिन प्राण तो नहीं निकल गया। मृत्यु की याद करने से प्राण निकल जाएगा, और मृत्यु की याद ना करो तो प्राण इसमें बना रहेगा। ये भ्रम है कि अगर हम ये सोचेंगे तो व्यवहार नहीं कर पाएंगे, मोह छोड़ देंगे तो बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे। ये महाभ्रम है, मोह छोड़ दो तो पालन पोषण और बढ़िया होगा। मोह ही कारण है दशरथ का जो भयंकर विस्फोट अयोध्या में हुआ, उधर कैकेयी का मोह उधर राम का मोह, और उसी में वे पिस गए। अब अगर मोह न होता भरत को बुला लेते, सर्वसम्मत से होता कुछ भी बात न होता। भरत तो कहते कि राम की गद्दी होनी चाहिए, लेकिन दशरथ के मन में चोर था, एक तो कैकेयी मोह और दूसरे राम में मोह कि राम की ही गद्दी हो, और शर्त थी भरत की गद्दी के लिए, ये कम लोग जानते हैं, वाल्मीकि रामायण में ये चर्चा है। जब श्री राम को बारंबार भरत कहते हैं कि चलो आप अयोध्या चलो, गोस्वामी जी ने तो कोमल बना दिया दोनों तरफ से, भरत कहते जैसी आपकी आज्ञा, राम कहते जैसे तुमको हो, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से वकालत है। राम अपना तर्क देते हैं और भरत अपना तर्क देते हैं, तब अंतिम में राम कहते हैं भरत अयोध्या की गद्दी की अधिकारी तुम ही हो। जब कैकेयी की शादी पिताजी से हुई थी तो नाना साहेब ने तय कर लिया था पिताजी से कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा ही गद्दी पर बैठे, अगर आप स्वीकारें तो हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कैकेयी के प्रति मोह था दशरथ को, पंजाबी लड़की, कैकेयी देश, ये व्यास क्षेत्र है जो व्यास नदी का क्षेत्र पंजाब का, वहाँ लोग गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, आज भी सुंदरियाँ प्रसिद्ध हैं वहाँ की। पहले ज़माने में पुराने ग्रंथों में आता है दूर दूर से रजवाड़े वहाँ से लड़कियाँ लाते थे, तो उस मोह के चक्कर में फंसे और कहे कि ठीक है कैकेयी से उत्पन्न बच्चा ही गद्दी बैठेगा। और इसीलिए जब भरत चले गए ननिहाल तब इन्होंने राज गद्दी श्री राम को देना चाहा, और यहाँ तक कह दिया, पहले तो सभा में उन्होंने कहा कि मैं तो एक पक्षी हूँ, आप लोग तटस्थ हैं मंत्रीगण, मुझे राय दे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, थक गया हूँ काम करते करते, राम योग्य हैं, इनको गद्दी दे दी जाए। सबने समर्थन किया, किसी ने नहीं कहा कि राम को बुलाओ, इसका मतलब है तानाशाही थी, भरत को बुलाओ किसी ने नहीं कहा। फिर राम को भरत दशरथ बुला करके कहते हैं कि कल ही तुम्हारा हो जाए तो अच्छा है, भरत तुम्हारे अनुगामी हैं, साधु स्वभाव के हैं, फिर भी साधु का भी मन बदल सकता है, तो अयोध्या से दूर जब तक भरत हैं तुम्हारी गद्दी हो जाए, ये साफ साफ दशरथ कहते हैं। तो इसलिए दशरथ के मन का मोह का परिणाम हुआ जो विस्फोट हुआ। क्षमा प्रकृति में कहीं नहीं, ये समझ लो, कोई भगवान भी गलती करेगा तो दुख पाएगा। सीता जी ने स्वर्ण मृग में मोह किया और राम उनका अनुगमन किए, लक्ष्मण ने समझाया कि ठीक नहीं है, सोने का मृग नहीं होता है, कहे नहीं सीता का बहुत मन है। तो अंत में क्या हुआ, वेदव्यास जी ने राम को क्षमा नहीं किया, उन्होंने लिखा असंभवे हे ममस जंतोस तथापि रामो लुलभी मृगाय प्रायः समासन्न पराभवानाम धियो विपर्यस तत्रा भवन्ति। सोने का मृग होना असंभव है, लेकिन राम भी सोने जैसे मृग को देख करके लोभ हुए। सच है, जब अपना पतन नजदीक आ जाता है तब बुद्धि बदल जाती। ये वेदव्यास जी ने राम के लिए कहा, क्यों कहा, युधिष्ठिर फिर से जुआ खेलने के लिए लौट पड़े थे, उसी समय उन्होंने पुरानी घटना याद करके कहा। इस धरती और आकाश के बीच में साधु गृहस्थ, स्त्री और पुरुष, बालक और वृद्ध, किसी के लिए क्षमा नाम की कोई चीज नहीं, जो करो सो भरो।
इसीलिए आप ऐसा देवता और ईश्वर गढ़ते हैं कि उसको लड्डू थमा करके क्षमा मंगवा लें और वो झूठ है। चाहे जितना लड्डू चढ़ाओ क्षमा नहीं होगी, चाहे जितना नाम जपो क्षमा नहीं होगी। आप इसका अनुभव कर लो। भोजन किसी दिन ज्यादा खा लिए हो तो जरा कीर्तन करो, भोजन पच जाए, नहीं पचेगा। गंगा जल पियो तब भी नहीं पचेगा, गुरु का चौंधक पियो तब भी नहीं पचेगा। वो जितना ज्यादा आप खाए हो उसका भोग हो जाएगा, जब जीर्ण हो जाएगा तभी सुख आपको मिलेगा। क्षमा नाम की चीज प्रकृति में कहीं है ही नहीं। वेद की ऋषियों ने कहा है प्रकृति के नियम का देवता भी उल्लंघन नहीं कर सकते, लेकिन पीछे तो क्षमा मांगने की इतनी परिपाटी चल पड़ी 2000 वर्षों से आज। और क्षमा, ये गुरु महाराज लोग खूब चमत्कारी बाबा बन करके बैठे हैं, सब कुछ आपको दूध पूत देते रहते हैं और आपका पाप भी काटते रहते हैं, चाहे उनका पाप कटे चाहे ना कटे। गुरु महाराज का तो पाप कटना नहीं, वे सबका काटते हैं, उनका तो कटने नहीं। गुरु महाराज असली वह हैं जो ये बताएं कि जो करोगे सो भरोगे, इसलिए ठीक करो। हमारा चेला बनने से उद्धार नहीं होगा, पवित्र आचरण में चलने से उद्धार होगा। चेला बनने का मतलब क्या है? शिष्य का मतलब जो शासन माने, शास्त्र का मतलब उपदेश, आचरण करे। तो आचरण की पवित्रता की आवश्यकता है। धर्म यह है, धर्म इस समय घट रहा है, सहनशीलता घट रही है, संयम घट रहा है, त्याग घट रहा है और धन बढ़ रहा है, साधन बढ़ रहे हैं, भोग बढ़ रहे हैं। जिनके पास नहीं बढ़ रहे हैं तो देख देख के ललचा रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है, तकलीफ बढ़ेगी, दिनों दिन तकलीफ बढ़ेगी। तकलीफ घटेगी आत्मसंयम पर, मन पर विजय, इंद्रियों पर विजय, सर्वांश आंशिक, सर्वांश तो धीरे धीरे होता है। गृहस्थ लोग जहाँ हैं अपनी शक्ति के अनुसार जितना उस संयम से रहेंगे सुखी रहेंगे, जितना असंयम करेंगे दुखी रहेंगे। संत जैसा करेंगे वैसे सुखी दुखी रहेंगे। साधु गृहस्थ दो मर्यादाएं, निर्णय से दोनों मनुष्य हैं, दोनों एक है। सड़क का लेबल एक है, कोई आगे चलता है कोई पीछे चलता है। धर्म का लेबल एक है, कोई आगे चलता है कोई पीछे चलता है। लेवल में कोई फर्क नहीं है, स्तर में कोई फर्क नहीं है। साधु मानो आगे चलते हैं और गृहस्थ पीछे चलते हैं, लेकिन दोनों को अपने अपने कर्मों का फल भोग भोगना है। कर्म का सुधार जीवन का सुधार है। तो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य निर्धारित नहीं करना है, पहचानना है। हमारे जीवन का उद्देश्य है दुखी न होना, सब समय प्रसन्न प्रसन्न आनंदित, आनंद मंगल। और ये तब होगा जब मन पाप में नहीं होगा, लंपटता नहीं होगी। इंद्रियों पर संयम, मन पर संयम, दूसरे पर करुणाशील समता का बर्ताव, सबके साथ सुंदर बर्ताव, एक ही बात में है। जो आत्मसंयमी होगा वो सबके साथ सुंदर बर्ताव करेगा, जो असंयमी होगा वो अपने को दुख दे रहा है, दूसरे को दुख देगा। जीवन के उद्देश्य को पहचाने और पहचान करके फिर उसके अनुसार आचरण करें, अपने को संभालें। ये जीवन खिलवाड़ के लिए नहीं मिला है। कमाए खाए बाल बच्चे पैदा किए और आपस में मिले जुले, नमस्ते प्रणाम कहो भैया कुशल मंगल, चकाचक है। कहाँ चकाचक है, ये तो रस्म है, मंगल है, चकाचक है, कहते रहते एक दूसरे से। अंदर में क्या है, चकाचक है कि अशांति? कमाने खाने से चकाचक नहीं होगा, बाल बच्चे चकाचक नहीं होगा, हम लोग बड़ा उपदेश कर ले इसमें भी चकाचक नहीं होगा। आचरण करेंगे तब चकाचक होगा। अपने मन को संभालेंगे, अपनी इंद्रियों को संभालेंगे, अपनी काया को संभालेंगे। आपको शरीर मिला है, मन मिला है, वाणी मिली, इंद्रियां मिली हैं, दुरुपयोग करो दुख पाओ, अच्छा उपयोग करो सुख पाओ। पूरे जीवन का असर मन पर पड़ना है। बड़े बड़े यंत्र लगे रहते हैं कारखानों में
और इंजीनियर घड़ी के पास बैठा रहता है, घड़ी देखता रहता, सुई, घड़ी भी पूरी नहीं देखता, सुई देखता है, पतली सी सुई, बड़े बड़े भीमकाय यंत्रों का हाल बताती है। ऐसे हमारे जीवन का हाल हमारा मन बताता है। मन कैसा है? मन उलझा है, दुखी है, क्लांत है, पीड़ित है, आपकी सारी उन्नति व्यर्थ है। मन प्रसन्न है, आनंदमय है, सुखी है, संतुष्ट है, आप सफल हैं। जीवन का उद्देश्य पहचानना है और पहचान करके आचरण करना है। उसके लिए सत्संग है, सदग्रंथ है, फिर साधना है। हम और आपको चाहिए उस दिशा में लगें और अपने जीवन का उत्थान करें। ये जीवन जानवर की तरह बिता करके कमाए खाए, बाल बच्चे पैदा किए, पाले पोसे, बस कृतकृत अपने को मान लिए। जानवर इतना कर लेते बड़े खुशी से और वे परेशान भी नहीं होते हैं। बैल तो जानता भी नहीं मेरा कोई बच्चा है, गाय जानती है, और जहाँ दूध पिया और वो पूरा हो गया, वो बच्चा बड़ा हो गया, फिर बच्चे परवाह ही नहीं, निश्चिंत। अब आपके तो बच्चे के बच्चे हो गए तब भी चिंतित हैं कि कैसे चलेगा, क्योंकि ज्ञान का पक्ष छोड़ दिए, भक्ति का पक्ष छोड़ दिए। तो अपने उद्देश्य को पहचाने और उसका अनुगमन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।